आपको ध्यान ही होगा कि लॉकडाउन के दौरान हमारी बहू सिल्क की पूरी कास्ट ने कई बार प्रेयर्स किया था और मीडिया ने भी उन्हें पूरी तरह सपोर्ट किया था क्योंकि उन्हें उनके काम के पेमेंट क्लियर नहीं हुए थे। और आज हमारे साथ चाहत है जो हमारी बहू सिल्क की लीड रह चुकी हैं, जिन्होंने सास बहू बेटिया से भी कई बार बात की थी इस बारे में। लेकिन चाहत, नाउ यू आर सुपर हैप्पी, और इस खुशी का क्या है पीछे कारण? आप सब लोग जानते हैं क्योंकि जानने मैंने हमारी बहू सिल्क की पूरी टीम ने मीडिया में आके इतने बार हम लोगों ने बोला है, हमने मतलब पूरी ऑडियंस को बताया कि हमारी बहू सिल्क का जो नॉन पेमेंट इशू चल रहा था एक साल से, और हम लोग बहुत परेशान थे, हमारी पूरी टीम, चाहे वो वर्कर हो, एक्टर हो, टेक्नीशियन हो, हम लोग बहुत फाइट कर रहे थे। और हमने बहुत मतलब मीडिया ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, सारी मीडिया ने, सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने लॉकडाउन के टाइम हमें लोगों तक दिखाया कि हम कितनी प्रॉब्लम में हैं अपने हमारी बहू सिल्क के पेमेंट इशू को लेके। बट फाइनली वी आर सुपर डुपर हैप्पी बिकॉज हमें हमारा पेमेंट मिल गया है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके एक हमारा पेमेंट हमें मिल गया है, पूरी टीम को और एक्टर्स को तो सारा मिल गया है। सो येस, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड कि चलो फाइनली ये हमारी बहू सिल्क का मुद्दा ख़त्म हुआ और हमें हमारा, और इसके लिए मैं स्पेशल थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी जी टीवी के लिए। जी टीवी इन्वॉल्व हुआ, सिंटा इन्वॉल्व हुई, और भी बहुत सारी जो एसोसिएशन है वो इन्वॉल्व हुई, एंड उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन लोगों ने हमारी बहू सिल्क पेमेंट इशू में हमारी हेल्प की है, चाहे वो एसोसिएशन हो, कोई भी हो, तो उन सबको बहुत बिग 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 थैंक यू। जी टीवी के लिए बहुत बड़ा थैंक यू कि यस आप लोग आगे आए, आपने हमारी हेल्प की, प्रॉब्लम सुनी, समझी और हमें हमारा सबका पैसा दे दिया। सर चाहत, एक वन मोर क्वेश्चन, बिकॉज जब बात पेमेंट की होती है, एक्टर्स के पेमेंट की होती है, तो आपको इंस्टेंट पेमेंट या मंथली बेस पे नहीं मिलता है, जैसे सबको सैलरी मिलती है, करेक्ट? सो ये पेमेंट मोड जो है, यू रियली वांट टू चेंज इट नाउ, बिकॉज आप लोगों ने काफ़ी फेस किया, 3 महीने के बाद जो आपको पहला पेमेंट आता है, लेकिन वो डिले होके 4 महीने 5 महीने बाद मिला, उसके बाद आपके पेमेंट्स आना बंद हुए और फिर बहुत सारा फाइट किया, फाइनली ऑलमोस्ट एक साल बाद यू गॉट योर पेमेंट। सो नाउ यू रियली वॉन्ट कि अब, क्योंकि एक तरह से नया सत्र जिंदगी का शुरू हुआ है लॉकडाउन के बाद, नई तरीके से चीज़ें हुई है, तो क्या अब ये चीज़ें बदलनी चाहिए, स्पेशली पेमेंट मोड? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मतलब बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि हमारी जो टीवी इंडस्ट्री है, ज़्यादातर पेमेंट यहाँ पे सब ऑलमोस्ट 3 महीने बाद हमें पेमेंट मिलता है, वो भी टेलीकास्ट के 3 महीने बाद। हम उसका शूट 1 महीने पहले भी स्टार्ट करते हैं, कभी 2 महीने पहले भी स्टार्ट करते हैं, तो वो 2 मंथ्स, उसके बाद जब टेलीकास्ट होगा, उस टेलीकास्ट के बाद 3 महीने, 90 दिन बाद। हाँ, तो अगर हम 1 महीने पहले हमारा शूट स्टार्ट होता है और टेलीकास्ट होता है 1 मंथ बाद भी, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 3 महीने ये और 1 मंथ जो हमने शूट चालू किया था, 4 महीने हो गए, उसके भी मतलब 3 महीने बाद, मतलब 5वें महीने में हमें पेमेंट, हाँ नहीं, वो हमें सिर्फ फर्स्ट मंथ का पेमेंट मिलता है। तो टेलीकास्ट के 90 डेज़ पेमेंट का जो प्रोसेस है, और 1 महीना हम शूट का मिला लें उसके पहले का, तो जो 4 महीने बाद हमें पैसा दिया जाता है 5वें महीने में, और इंडस्ट्री में आई थिंक 90% यही रूल है, मुझे नहीं पता कि ये रूल किसने बनाया, ऐसा क्यों है, बट मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप आज काम करते हो और उसका पैसा आपको 4 महीने 5 महीने बाद मिलता है? मैंने तो अभी तक कहीं नहीं सुना कि आप इस महीने मेहनत कर रहे हो और इस महीने के मेहनत का पैसा आपको 4-5 महीने बाद दिया जाएगा। सो मुझे नहीं पता ये किसने बनाया ऐसा रूल, बट मैं प्लीज़ ऐसा रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हैं कि 4-5 महीने तक इंसान कैसे सर्वाइव करेगा, है ना, और इंडस्ट्री में तो काम मिलना भी इतना टफ होता है कि वो टाइम फिर ये टाइम, सो बहुत टफ होता है। तो मैं यही चाहूँगी कि ये थोड़ा चेंज हो, अगर लोग, आप लोग रूल्स बना सकते हैं तो आप उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर ये मंथली पेमेंट हो जाता है हमारा, कि जैसे सबका है, जैसे जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट, जैसे भी हर मंथ जो पेमेंट होता है, वैसे ही अगर हमारा इंडस्ट्री का, टीवी इंडस्ट्री का पेमेंट स्टार्ट हो जाए, तो ये बहुत बहुत खुशी की बात होगी, सब लोग बहुत खुश रहेंगे और सबकी प्रॉब्लम्स, इतनी प्रॉब्लम्स किसी को फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो मैं चाहती हूँ कि आफ्टर लॉकडाउन अगर ये नियम चेंज हो सकता है, आफ्टर टेलीकास्ट के 90 डेज़ वाला पेमेंट का सिस्टम, तो प्लीज़ 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 जो भी चैनल है, प्रोड्यूसर हैं, जो लोग भी हैं, प्लीज़ अगर आप चेंज कर सकते हैं तो प्लीज़ ये रूल बदलिए। साथ ही में चाहत, कितनी बार कहीं शोज़ रिलीज़ होते हैं, लॉन्च होते हैं और 3 महीने बाद बंद ही हो जाते हैं, तो फिर क्या, किस तरह से आगे मोड में जाता है चीज़ें, क्योंकि एज़ यू सेड 3 महीने और फिर 1 महीने शूट का, 4 महीने बाद ही चीज़ें आ रही हैं हाथ में, लेकिन आपका शो ऑफ एयर चला गया अगर 3 महीने में, देन
देन 3 महीने में शो अगर ऑफर चला गया, 3-5 महीने में बहुत सारे शोज ऐसे होते हैं जो नहीं चलते और अनफॉर्चुनेटली अचानक ही वो बंद हो जाते हैं, तो मैं नहीं कहूँगी कि सबका पेमेंट का प्रॉब्लम होता है, बट वही फिर इतने महीने उन्होंने वेट किया शो पाने के लिए, फिर वो शो जब मिला, 3-4 महीने काम किया, वो पेमेंट शूट बंद होने के बाद आपको पेमेंट मिलेगा, उसके बाद दूसरा शो आपको कब मिलता है उसकी कोई मतलब कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि इंडस्ट्री का हमें हम कब बिजी हो जाएं, हम कब फ्री हो जाएं, हमें पता नहीं चलता है कुछ. सो यस, चीज़ें चेंज होनी चाहिए, बहुत ज़रूरत है सभी को, मतलब हमारे इंडस्ट्री में जो लोग हैं होना ही चाहिए, पेमेंट प्रोसेस तो चेंज होना चाहिए. सो एक लास्ट व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव, बिकॉज ऐसे कई सारे ऑडियंस होंगे जो अभी इंडस्ट्री में आने का सोच रहे हैं, तो कहीं वो ये सारी बातें सुन के डर ना जाए कि यहाँ पे तो पेमेंट ही नहीं होता. अरे नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पेमेंट नहीं होता. हमारी बहू सिल्क के पहले भी मैंने जितने शोज़ किए हैं, चाहे वो अलादीन हो, तेनालीरामा हो, स्वास्थ्य के शोज़, बहुत सारे शोज़ मैंने किए, सबके पेमेंट्स मुझे मिले हैं. ये आई थिंक टीवी इंडस्ट्री में कि अगर 6 महीने का पेमेंट नहीं मिला है 1 साल से, ऐसा पहली बार हुआ है टीवी इंडस्ट्री के सालों के रिकॉर्ड में, जो हमारे साथ हुआ. हाँ, जो हमारे साथ हुआ वो इंडस्ट्री में ही पहली बार हुआ शायद कि 1 साल से हमें पेमेंट नहीं मिला 6 महीने का. ऐसा नहीं होता है, आप लोग प्लीज़ मत डरिए, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं. मेरा खुद चेक के लिए मुझे बाकी प्रोडक्शन जो है, जो टाइम टू टाइम जिनका पेमेंट जाता है, नेक्स्ट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा. वैसे अभी मैंने एक वेब सीरीज़ की है जब वो लॉन्च होगी फॉर न्यू OTT प्लेटफॉर्म के लिए है, सो मैं बता दूंगी, पता तो चल ही जाएगा, नहीं चलेगा आप कर ही लेंगे पता. सो यस, सो ये तो बात हुई पेमेंट की, और इनकी दिवाली तो सुपर हैप्पी हो गई है बिकॉज पेमेंट आ गया. सो एक लास्ट दिवाली की विशेस दे दीजिए. हाँ, हमारी बहू सिल्क की पूरी टीम की दिवाली बहुत हैप्पी हो गई है. थैंक यू सो मच ZTV, सब लोगों को अगेन मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमारी हेल्प की, जो आगे आए, जिनकी वजह से हमें हमारा पैसा मिला, पूरी टीम का. सो वी आर सुपर डुपर हैप्पी एंड बहुत अच्छी दिवाली होने वाली है हमारी अब. एंड यस, आप सबकी दिवाली भी बहुत अच्छी हो. हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली. सो ये थी हमारे साथ शाह, जिन्होंने अपनी दिवाली तो हैप्पी हैप्पी कर ली. सो आप भी अपनी दिवाली को हैप्पी मनाइए और देखते रहिए सास बहू और बेटियाँ. कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ श्रुति बड़जात, मुंबई आज तक.